प्रोनाउंस। प्लीज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं और इसके क्या क्या टाइप्स है। तो शुरू करते हैं वीडियो हमारा। प्रोनाउंस एंड इट्स टाइप्स। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब आपका जो प्रोनाउन है वो एक वर्ड होता है जिसको आप किसी भी नाउन के प्लेस पर यूज करते हो। आपने पढ़ा होगा पहले भी छोटे क्लासेस में कि हमारा प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन होता है जिसको हम लोग नाउन की जगह पर यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आशु इज अ गुड गर्ल। आशु कौन है? गुड गर्ल है। फिर शी इज स्टडी, वो क्या कर रही है? वो स्टडी कर रही है। तो हमने यहाँ पर आशु के लिए क्या यूज करा? हम लोगों ने शी लिखा। दोबारा से मैंने यहाँ पे आशु का नाम रिपीट नहीं करा है। स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आशु इज अ गुड गर्ल। उसके बाद फिर हम आशु के लिए क्या यूज करते हैं? शी यूज करते हैं। तो शी इज स्टडी। तो इस तरह से जो शी है हमारा, ये हमारा प्रोनाउन है। उसके बाद जो हमारा प्रोनाउन होता है वो हम लोग कॉमन और प्रॉपर, जो कॉमन नाउन होते हैं और जो प्रॉपर नाउन होते हैं उन दोनों के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। राहुल एंड रोनोजीत हैव कम टू मीट हर। जो राहुल है और जो रोनोजीत है वो उसको मिलने के लिए आए हैं। अब यहाँ पर हमने राहुल और रोनोजीत के लिए क्या वर्ड यूज कर दिया? दे आर ग्लैड टू सी हर स्टडी। मतलब कि उनको अच्छा लग रहा है उसको स्टडी करते हुए देखकर। दे आर ग्लैड टू सी हर स्टडी। तो यहाँ पर जो दे है वो हमारा प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है? प्रोनाउन आपका एक वर्ड होता है जो कि हम लोग किसी भी नाउन की प्लेस पर लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पे दोबारा से लिखूंगी, राहुल एंड रोनोजीत हैव कम टू मीट हर। राहुल एंड रोनोजीत आर ग्लैड टू सी हर स्टडी। तो थोड़ा सा वियर्ड लगेगा ये। अच्छा मतलब ये हमारे कोई सेंस नहीं बना रहा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे राहुल एंड रोनोजीत के लिए यहाँ पर हमने दे यूज कर दिया। तो ये होते थे प्रोनाउन। जो हम लोग क्या करते हैं प्रोनाउन को? प्रोनाउन हम लोग यूज करते हैं एट द प्लेस ऑफ द नाउन फॉर द कॉमन एंड फॉर द प्रॉपर। इन दो तरह के नाउन के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं। अब इसमें आता है आपका टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के लिए मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको एक ही टाइप डिस्कस करा है। यहाँ पर हमने बाकी का जो रिमेनिंग टाइप है वो दूसरे वीडियोस में डिस्कस होगा। तो पहले देख लो, पहले क्या टाइप ऑफ प्रोनाउन में हमारा पहला प्रोनाउन होता है, मतलब पहला टाइप होता है प्रोनाउंस का पर्सनल प्रोनाउंस। नाम से भी लग रहा है पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। द वर्ड्स आई यू मी ही हिम शी हर वी अस। इसके बाद आपका दे इट एंड देम। ये सारे के सारे हम इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस। दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। दे टेक द प्लेस ऑफ वर्ड्स फॉर पीपल एनिमल प्लेसेस और थिंग्स। मतलब कि जो आप एनिमल के लिए, पीपल के लिए, प्लेसेस के लिए और थिंग के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आपका दे आर ईटिंग फूड। तो हम लोगों ने दे यहाँ पे क्या यूज करा है? लोगों के लिए यूज करा है ना, कि वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग खाना खा रहे हैं। दे आर ईटिंग फूड। तो यहाँ पे हमारा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। इसके बाद आपका इट इज अ बैग। आपने मतलब एक ऑब्जेक्ट को बताया है, एक थिंग को बताया कि ये क्या है? ये एक बैग है। तो यहाँ पर इट हमने यूज करा है थिंग के लिए। तो बेसिकली क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन हमारा? जिसको हम लोग यूज करते हैं एट द प्लेस ऑफ पीपल एनिमल्स प्लेसेस और थिंग्स। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी का जो इसका दूसरा पार्ट है वो हम लोग दूसरी वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।